और 2018 के बाद फिर बल्कि 19 में हम लोग चले गए जीएनएन न्यूज़ पे, दो साल वहाँ पे काम किया और वापस हमको एक्सप्रेस न्यूज़ ही जाना था, लेकिन समा वालों ने बहुत ज़्यादा कहा कि आप आएँ और ज्वाइन करें। हालांकि मैंने उनको ज्वाइनिंग के वक्त बताया था कि मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं और कोई डिक्टेशन वगैरह नहीं लेते, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। उनकी जो मैनेजमेंट थी उसको भी बताया था और जो मालिक थे उनको भी बताया था, लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, उन्होंने हमें रख लिया। बाद में उसके बाद हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके, जो वो चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, तो उसके बाद उन्होंने हमें ऑफियर कर दिया और फिर चैनल से निकाल दिया। समा से निकलने के बाद हमारे पास जिन लोगों ने हमें ऑफर किया उन सबका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान के बड़े चैनल थे। क्योंकि मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाया इसलिए अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, यानी पाकिस्तान के अगर मैं टॉप 3 चैनल्स कहूँ तो उन्होंने भी मुझे ऑफर किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हमने इस ग्रुप के साथ बड़ा लंबा काम किया हुआ है, यहाँ प्रोफेशनल लोग हैं और मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव रहा भी नहीं नॉर्मली एक्सप्रेस न्यूज़ में माजी में, कि जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि यहाँ पे फलां ज्यादती या कोई ऐसी चीज़ हुई है। तो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए और मौजूदा ऑफर देखते हुए हमने फिर एक्सप्रेस न्यूज़ में वापस जाने का फैसला किया। हमारे स्टूडियोज वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे और जल्द ही हम